एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हर एक पेरेंट्स आके यहाँ उलझ जाते हैं। उनको है कि बच्चे में स्पीच कैसे डेवलप हो, और हम बार बार समझाते हैं कि स्पीच डेवलप करने के अलग अलग स्टेजेज हैं। सबसे पहले तो आप बात करते हैं जिस स्पीच की, अगर बच्चा आपका एक दो वर्ड्स भी अगर बोल रहा है मीनिंगफुल, मम्मी हो गया, पापा हो गया, कुछ भी मीनिंगफुल अगर बोल रहा है, मतलब कि स्पीच उसमें ऑलरेडी है। हम लोग को चाहिए कम्युनिकेशन, मतलब कि लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज चाहिए। तो कम्युनिकेशन मतलब पूरी बात अपनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में समझा सके, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो स्पीच अगर मैक्सिमम केसेस में हम देखें कि है, तो हमको करना क्या चाहिए कि स्पीच थेरेपी उस टाइम में इंपॉर्टेंट है। स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट है या फिर बच्चे की समझदारी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इस सिचुएशन को समझना सबसे जरूरी है। कॉमन भाषा में समझें तो सबसे पहले बच्चे में अंडरस्टैंडिंग, कमांड फॉलोइंग, ये डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग कमांड फॉलोइंग कब डेवलप होगी? जब बच्चा स्थिर बैठेगा, स्थिर बैठेगा, कंसंट्रेट करेगा, जो चीजें उसको बताई जाएंगी उनको नोटिस करेगा, तब जाके धीरे 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 उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब तक वो चीजों को नोटिस नहीं करेगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज डेवलप नहीं होगी। तो जो बच्चे, जैसे सिंगल कमांड में हुआ कि हम कहे यहाँ आके बैठ जाओ, बच्चा आके बैठ गया, सिंगल कमांड है। डबल कमांड ये हुआ कि वहां टेबल पे वो गिलास रखा हुआ है, जाओ किचन से पानी लेके आ जाओ, अगर इतना कर लिया तो ये डबल कमांड हुआ। मतलब ये धीरे धीरे रिसेप्टिव लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहा है, बोल भले ना रहा हो लेकिन कमांड फॉलोइंग कर रहा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर रहा, जो हम कह रहे हैं कमांड को ले रहा उसके हिसाब से एक्शन कर रहा। तो ये होता है हमारा क्या, रिसेप्टिव लैंग्वेज। इसमें समझदारी पूरी होगी बच्चे की, लेकिन सिर्फ वो एक्सप्रेसिव नहीं होगा। तो ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है, ये डेवलप करना सबसे जरूरी है बच्चों। ये डेवलप नहीं करते हैं और सिर्फ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के फेर में पड़ जाते हैं हम लोग। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो स्पीच थेरेपिस्ट का काम क्या है कि वो तो आप उसके पास गए हैं तो कहेगा कि हाँ हम स्पीच पे काम करेंगे। वो आप चूंकि समझना नहीं चाहते, वो भी जब आप उसके पास गए हैं तो क्यों मना करे, तो वो उसको, लेकिन कितने दिन तक, उसको रिजल्ट भी तो दिखाना होगा। नहीं रिजल्ट दिखाएगा तो आप वहां से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो मतलब कि स्पीच डेवलप करना है उसको, तो कुछ भी बोले उसको बुलवाना उसका काम है, वो बुलवाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हमने देखा है जिसमें कि वर्बल स्टिमिंग, इकोलैलिया, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। जब बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर भी स्पीच पे वर्क किया जाएगा तो ये सिचुएशन आएगा। अब बात कर रहे थे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज जब डेवलप हो जाएगी बच्चे की, तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, कमांड फॉलोइंग प्रॉपर है, तो उसके बाद धीरे धीरे नॉन वर्बल, वर्बल और फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाएगा। तो पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे बच्चा जाता है। ये एक नॉर्मल हमारा स्पीच डेवलप करने का पैटर्न है। दिल्ली से एक बच्चा है, उन लोग आए थे हमारे पास, वो डॉक्टर साहब हैं, उनका बच्चा है, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। वो 2 ढाई महीने 3 महीने से सेशन में ऑनलाइन जुड़े थे, 1 सप्ताह का समय निकाल के आए हमारे यहाँ। उनके बच्चे का ये हुआ, वो 6-7 महीने पहले इधर उधर बहुत भटके थे, फिर सही सोल्यूशन नहीं मिला, जैसे भी नहीं मिला वो एक अलग बात है। बच्चे को हमने देखा, बच्चे में सिर्फ बॉर्डर लाइन ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, उसमें क्लासिकल ऑटिज्म का कुछ भी नहीं है। और कुछ समय पहले तक, 3-4 महीने पहले तक जब वो हमारे साथ जुड़े, तो बच्चे में आई कॉन्टेक्ट की प्रॉब्लम थी, रेस्टलेसनेस थी, वो स्थिर बैठता नहीं था। आज 4 महीने बाद ये देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें स्थिरता आ गई और उसको कहीं स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप कुछ कुछ स्पीच के टर्म्स वो पकड़ना शुरू कर दिया और वो बोल रहा, अपनी नीड बेस्ड बातें बोलना शुरू कर दिया। तो वो डॉक्टर्स हैं, वो भी डॉक्टर बाद में है, दुनिया के लिए है, वो बच्चे के माता पिता हैं, इसलिए वो हमेशा पूछते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कब तक डेवलप कर जाएगा, इसमें स्पीच थेरेपी करने की जरूरत है कि नहीं है। बहुत कम एज का बच्चा है वो, 2.5-3 साल का होगा शायद, या 3 साल का। तो हमने मना किया कि उसके सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, बच्चे में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई
अब उसमें और डेवलपमेंट ऐड हुई है। जनरली 3 महीने के सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बाद हम लोग एक रिव्यू सेशन करने के बाद उसमें और कुछ डेवलपमेंट ऐड करते हैं। डेवलपमेंट ऐड हुई है और वो बच्चा 50-60% तक हम कहेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन जो है बच्चा इंप्रूव कर चुका है इन 3-4 महीनों। अब क्यों इंप्रूव किया? क्योंकि उसके पेरेंट्स को जो बातें हमने कही वो उस बात पे रहे, उन्होंने अपना इधर उधर दिमाग नहीं लगा। बीच में होता है कि पेरेंट्स का मन है थोड़ा नहीं माना, कहीं और गए, कहीं और ओपिनियन ले लेते हैं, बीच में एक आध जगह भटके भी, लेकिन फिर उसके बाद आके सारी बात बता भी दिए कि हम यहाँ गए थे, वो ऐसा बोला, हम होपलेस हो गए, ऐसा हो, ये सारी चीजें। तो अब जैसा उनको कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और बच्चे में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो रही है, और मुश्किल से 4-5 महीने का समय और लगेगा, बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। और कुछ कुछ चीजें व्यवहारिक चीजें, सोशियो इमोशनल जो स्किल्स होते हैं और आसपास की चीजें सीखने के लिए, तो जिंदगी भर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी तरह बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ के और वो सारी चीजें सीखेगा। अब ये बातें समझाने का मेन मकसद हमारा ये है कि पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसी को ये करते जाएंगे तो बच्चे में क्या होगा कि धीरे 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 नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप डेवलप कर जाए। और तब जब बच्चे के पास शब्दकोश नहीं होंगे, उसको सामने टमाटर प्याज आलू सेव नारंगी सारी चीजें रखी हुई है और बच्चे को पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो वो बोलेगा कैसे? पहले वो ऑरेंज को ऑरेंज बोलने के लिए उसको पता तो हो कि ये ऑरेंज है। तो हम कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बच्चे को फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, सामने बैठा है, आप देख रहे हैं कि 4 साल का हो गया, 4 साल के हिसाब से ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं समझ रहा, आप फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को। साइकोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली देखेंगे तो उसका न्यूरोलॉजिकल एज उस एज ग्रुप से काफी पीछे चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जज करने लग जाते हैं कि हम तो इतने समझदार हैं तो ये कितना, हम ऐसे ही देखते हैं। तो हम कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को, कोई कलर आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं, ये रेड है, येलो है, ब्लू है, फिर कंफ्यूज हो जाए, फिर सिखा रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो जा रहा, फिर सिखा रहे हैं, फिर हमको लगता है कि ये सीख ही नहीं पाएगा, हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं, जबकि वो सीख रहा है, क्विक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस इतनी सी प्रॉब्लम, वो सीख रहा है, सीखने की प्रॉब्लम नहीं है। आप आज सिखाए, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक वही चीजें सिखाते रहेंगे, 20-25 दिन बाद आप देखेंगे कि आप उसको कहेंगे कि जाओ वहां से ये उठा के लेके आ जाओ, इस कलर का ये उठा के लेके आ जाओ, उस दिन मिरेकल सा होगा वो सामान उठा के लेके आ जाए। कुछ बोलने का सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, 15-20 दिन सिखाए, उसके बाद से नहीं कुछ रिप्लाई आया, एक दिन सडन उससे रिलेवेंट कुछ भी चीजें नहीं हुई है, फिर भी वो चीज बोल दिया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मिरेकल हुआ। मिरेकल नहीं, ये आपका अपना मेहनत है, ये आपकी अपनी सेविंग है, वो पहले से जो आप ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और क्विक रिजल्ट नहीं मिला, आप भूल गए कि हम क्या क्या सिखाए हैं, वही चीजें सामने आ रही है। तो ऐसे ही लर्निंग का प्रोसेस ऐसे ही होता है कि पहले क्या होगा कि महीना में एक वर्ड बोला, धीरे 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 आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी के साथ सिखाते जाएंगे तो क्या होगा, सप्ताह में एक वर्ड बोलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि दिन में एक वर्ड बोलने लग गया, फिर देखेंगे कि 1 घंटे में एक वर्ड बोलने लग गया, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी ना जी। महीने में एक वर्ड बोलने वाला अगर दिन में एक वर्ड बोलने लग गया तो महीने में उस तरह से 30 वर्ड्स बोलने लग गया, तो इतने वर्ड्स जब बोलने लग गया तो ये पॉजिटिव चीज है ना, हम उस बच्चे के शब्दकोश को बढ़ा रहे हैं ना, उसको चीजें सिखा रहे हैं ना, और वो लर्निंग की तरफ जा रहा है ना, सीधे सीधे वो पॉजिटिव उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है ना, नई नई चीजें सीख रहा है। ऐसे बच्चे को डेवलप करना होता है, ऐसे समझ के। सैकड़ों केसेस हैं डेली बेसिस पे ऑनलाइन सेशन में हमारे, हर सप्ताह में सारे लोगों का रिव्यू होता है किसमें क्या कैसे चल रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम सिखा रहे हैं कुछ सीखना ही नहीं चाहता या सीख ही नहीं रहा। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आपकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, बच्चे की एज 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही ना, तो आप 40 साल के एज में जितने समझदार हैं, बच्चे को 3-4 साल एज में
तीन चार साल की एज में उतनी ही समझदारी चाहते हैं, ये कहीं से होशियारी वाली बात है। बच्चा चाह के भी आपके जितना मैच्योर उस एज में नहीं हो पाएगा, आप चाहें तो उसके जैसा इमैच्योर होने की एक्टिंग कर सकते हैं, और जब उसके जैसा इमैच्योर आप बनेंगे, बच्चे के साथ बच्चा जब बनेंगे तो देखेंगे कि बच्चे में इंप्रूवमेंट शुरू हो गई। बच्चे के साथ बाप बनेंगे, माँ बनेंगे, मतलब कि उसके सामने आप रौब जमाएंगे, आपका हक है कि आप उसको डांट सकें, ये कर सकें, बच्चा नहीं सीखेगा, वो नर्वस हो जाएगा, वो चीजों में कंफ्यूज है। हम कल ही एक मूवी देख रहे थे, अधीरन करके एक मूवी है साउथ की, उसमें ऑटिज्म में एडीएचडी पे थोड़ा बहुत मतलब ये दिखाया गया है। तो दिखाया गया है वो जो लड़की ऑटिस्टिक रहती है, उसके आसपास के लोग उसको पागल और कुछ कुछ कहते हैं कि इसको ढोने से क्या फायदा। उसके पिता उसकी उसको डिसेबल नहीं, डिफरेंटली एबल समझ के और कुछ उसको मार्शल आर्ट वगैरह सिखाते हैं और उसमें वो महारत हासिल करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा, उसके केस को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, और आप हर बच्चे में यूनिक एबिलिटी है, उसको आप समझेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि बच्चे में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। हम कंपेयर दूसरों से क्यों करेंगे? हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि अगर कंपेयर करना है तो और पेरेंट से कंपेयर कीजिए कि वो इतना इंप्रूव कर लिया इतने समय में, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमको ऑनेस्टली वर्क करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो बच्चे में इंप्रूवमेंट होते जाएगा। अब हम कह रहे थे कि बच्चे के साथ बच्चा बनिए, बच्चे के साथ उसके बाप नहीं बनिए, उस पे मतलब हक नहीं जमाइए, उस पे अधिकार नहीं जमाइए, उसको उस पे शासन नहीं कीजिए, उसको कोऑपरेट कीजिए। आप देखिए कि साथ साथ में फन एंड प्ले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसको लगे कि हमारे ऊपर कुछ बर्डन नहीं डाला गया है, हमारे साथ खेला जाता है, फन एंड प्ले एक्टिविटीज होती है, बच्चे में गारंटीड इंप्रूवमेंट होगी। और जो लोग भी बिना बच्चे में समझदारी डेवलप किए, बच्चे के स्पीच पे फंक्शन कर रहे हैं, स्पीच पे वर्क कर रहे हैं, स्पीच डेवलप करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी बोल ले, वो सारे लोग आज से 6 महीने साल भर बाद फिर घूम के वहीं आएंगे। ये ऐसे हुआ ना कि जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे को उठाया, 10वीं कक्षा में डाल दिया, और 10वीं कक्षा में जाके वो बार बार एग्जाम में फेल हो जा रहा, 5 साल में 10वीं का एग्जाम पास कर रहा, तो फिर बेवकूफी हो ना, 5वीं के बच्चे को 10वीं में डाल दिए, 5 साल में 10वीं पास करा रहे। उससे अच्छा है ना कि स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता, नॉलेज का दायरा बढ़ता, कैसे कोई चीज हुई, कुछ फॉर्मूला हुआ, कैसे सिद्ध हुआ, वो सारी चीजें उसको समझ होती, तो वो ज्यादा बढ़िया हुआ, या फिर 5वीं के बच्चे को उठाया 10वीं में और 5 साल में वही पढ़ा रहे, 10वीं का ही सिलेबस 5 साल में सिखा रहा। तो इस बात को समझिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बच्चे में, मैक्सिमम बच्चे में, जिस बच्चे में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो सेंसरी स्टिमुलस ले तो रहा है, प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा किसी भी चीज को प्रोसेस कैसे कर पाएगा? जब प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो कैसे बोलेगा? किसी की बात को हम सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब तो रिप्लाई करते हैं। जब हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, कोई बोल रहा, हम कान ढक लिए, अब कान में आवाज आई नहीं तो ऑडिटरी नर्व ने डिटेक्ट नहीं किया, वो ब्रेन में गया नहीं, और ब्रेन में गया नहीं तो वो प्रोसेस नहीं होगा, मोटर स्टिमुलस में प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे। कान में बहुत सारे लोग वो बाहर वाला जो पैड वाला जो होता है, ईयरफोन बड़ा सा लगा के हेडफोन, और गाना सुन रहे हैं, बाहर से कोई क्या बोल रहा समझ ही नहीं आ रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको गाना सुनाई दे रहा, वो प्रोसेस हो रहा, वो एंजॉय कर रहा, उधर की आवाज उसको नहीं आ रही तो वो प्रोसेस नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। तो पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को मैनेज करेंगे, ये इसके लिए प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के अलावा न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट के अप्रोच बहुत सारे हैं, उनको करेंगे, बच्चे में समझदारी डेवलप करेंगे, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, तब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इससे स्टेप बाय 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में बच्चा गया, और बच्चा आपका बेहतर तरीके से मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा। हम बार बार कहते हैं कि प्रॉब्लम जैसी भी है,
बच्चे को सही से डायग्नोस करना, उसके बाद नीड बेस्ड थेरेपी करना एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस के साथ में। ये नहीं कि हमारे ऑटिज्म के सेंटर पे आया होगा तो ऑटिज्म ही होगा, तो फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको प्रॉपरली डायग्नोस करना, उसके बाद उसके हिसाब से प्लान बनाना, उसके बाद पेरेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट करना, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना, सोसाइटी को एजुकेट करना, इन सब के सहयोग से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं तो ये बच्चा इम्प्रूव नहीं होगा। बाकी तो है ही, आपको यूट्यूब पे जाइए तो एक से एक बातें लच्छेदार चल रही हैं और लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा ये के चक्कर में कि नहीं चलो फ्री का कोई वीडियो मिल रहा उठा के हम अपने बच्चे में डाल देते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे के लिए नीड बेस्ड अप्रोच अगर चाहिए है तो उसके लिए जो स्किल्ड उसके डॉक्टर हैं थेरेपिस्ट हैं वही ये कर सकते हैं। आपको एजुकेट करना, बच्चे को री एजुकेट करना, ये सही काम है, नहीं तो फिर बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हो। इन सब बातों को समझिए, अननेसेसरी चीजों में नहीं पड़िए। बच्चे को प्रॉब्लम है, अपने नियरेस्ट कोई फिजिकल सेंटर्स हैं न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का, या फिर ऑनलाइन में जो आपको सूटेबल लगे कि हाँ ये सही बातें कह रहे हैं, उनके साथ जरूर जुड़िए। वो अगर ऑनेस्टली आपको सारी चीजें बता रहे हैं उसके हिसाब से ईमानदारी से आप बच्चे में इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले महीने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो या तो अप्रोच गलत है या इंटेंशन गलत है, इन दोनों में से कोई तो एक गलत है। सही से डायग्नोसिस ही नहीं किया गया तो अप्रोच सही होगा ही नहीं, और इंटेंशन गलत हुआ तो मैक्सिमम केसेस में इंटेंशन होता है कि लंबे समय तक खींचते रहो। इसलिए कहते हैं कि बी वेयर बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। धन्यवाद।